कहते हैं आती है जो मुश्किल में काम, तलबा की करती है मुश्किल को आसान, स्काउटिंग है उसका नाम, स्काउटिंग है उसका। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है ब्रो? आज हम दोबारा आए हैं फ्रेंड में, आज क्लोजिंग है, आज आखिरी दिन है उसका रेस्क्यू रोबोट को दौरा था, आज उसका लास्ट डे है। तो हम यहाँ आए तो अभी मेरे टेस्ट चल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का उसका टेस्ट चल रहा है, तो उसके जब बनता है क्या सीन बनता है उसके बाद देखेंगे जो भी होगा। हमारा चले अभी आपके भाई ने बैग रख दिया अपने कैम में और इन्होंने बाहर लगाया था, जंगल में जाते तो ये सामान रखते हैं, वैसे इन्होंने सेटअप किया हुआ है पूरा, आप देख सकते हैं पीछे तख्ते के पूरा बिल्कुल वैसे सेटअप है बाहर भी, और वो यूनिफॉर्म भी लटके हैं सामने, ये चक्र और बनाए हुए गैजेट्स वगैरह बनाए हुए इन्होंने, जो खुद बनाए सारे मेहनत किए, नजर ही है बाहर रखा हुआ सारा बिस्तरा वगैरह, ये शूज़ों के लिए बनाया हुआ है सब कुछ उनका वी आई पी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन ने सिंध में पहला स्काउट रोवर रेस्क्यू बोट का इनेकाद किया। इस रोवर बोट का मकसद बज़ाहिर तो कैंपिंग नज़र आ रहा है लेकिन इसके बड़े वसी फायदे हैं। सबसे अहम बात इस सिंध में जो नौजवान हैं उन्हें पॉजिटिव ट्रीटमेंट भी देनी है और खुदा ना खास्ता का कोई कुदरती आफत आती है या इंसानी गलती से कोई आफत आती है तो उसमें नौजवान अपने हिस्से का काम कर सके, करते तो ये यकीनन पहले ही लेकिन फेल होने के बाद उस काम को बेहतर तौर पर कर सकते हैं। इस रोवर रेस्क्यू मोड में नौजवानों को आग पे काबू पाने के तरीके, मलबे में दबे हुए लोगों को निकालने के तरीके, अगर कहीं पर किसी को करंट लग जाए या फर्स्ट एड देनी हो उसके मुताबिक बहुत ही मुफीद तरबियत दी गई है, जिसमें हमारे नईम यूसुफ साहब जो एक्स चीफ हैं फायर ब्रिगेड के और मोहतरम, उन्होंने जर निगरानी बहुत सारे बेसिस बनाकर, और इसके अलावा रेड क्रिसेंट वालों की तरफ से डॉक्टर एम खान ने फर्स्ट एड के मुताबिक बहुत ही तफसीली और अहम और अहम पॉइंट पे इनको तरबियत दी है और बच्चों ने यकीन इस नौजवानों को सपोर्ट की। स्काउट रेस्क्यू रोवर बोट मैनकार सैयद मुमताज अली शाह साहब हमारे चीफ कमिश्नर की ख्वाहिश पर किया जा रहा है और सैयद शबीर साहब इसकी टीम ने बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं, हमने हालांकि 200 की तादाद रखी थी लेकिन सिंध से इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला हमारे को, तो कराची से इस वक्त यहाँ पर कैंप में 500 स्काउट के साथ मौजूद हैं और ये चार पाँच दिन उत्तरी पूर्व रेस्क्यू के हवाले से इनकी ट्रेनिंग होती थी, जिसमें रेड क्रिसेंट वाले उनके आए, डॉक्टर्स आए, ट्रेनर आए, उन्होंने बच्चों को रेड क्रिसेंट के हवाले से CPR सिखाया, पट्टियाँ करना सिखाया, इसके अलावा सिविल डिफेंस से लोग आए, फायर ब्रिगेड से लोग आए, ट्रैफिक कंट्रोल से लोग आए, कराची पुलिस से लोग आए, कम्युनिकेशन के हवाले से पब्लिक लोग आए, उन्होंने अब आकर हमारे यहाँ बच्चों को ट्रेनिंग दी और हम लोग खुद ये अपने बच्चों को दोबारा को ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये थ्री क्लास फायर है, माइल की आग है, वहाँ एक क्लास फायर है घर में आग लग जाती है, ये कौन यहाँ पे झोंपड़ी बनाएगी, वहाँ पे भी अगर बिल्डिंग गिर जाती है तो मलबा गिर जाता है उस मलबे से लोगों को नजर निकाला जाता है, यहाँ पे एक मंकी ब्रिज है बना हुआ है कि जो कि इसलिए बनाया गया है कहीं पर अगर पुल वुल टूट जाए तो रस्सों और बाँसों की मदद से उस मकामी ज़राए को इस्तेमाल करके पुल बनाए और उसमें से लोग कैसे गुजरें। इसके अलावा एक टावर बनाया गया है जिसके ऊपर चढ़ के इमारत बनाई गई है, जिसके ऊपर चढ़ के ऊपर से स्लाइडिंग का मुजाहरा किया जाएगा, रोप की वजह से लोग कैसे उतरते हैं वो मुजाहरा किया जाएगा और जंपिंग शीट की मदद से लोगों को नीचे कैसे उतारा जाएगा। थैंक यू। तो मैं सोनी धरती ग्रुप से हूं, मैं इधर रोवर को बोल रहा हूं, इधर विजिट करने के लिए आया था, बहुत से गेम थे जिसमें बहुत मज़ा आया, उसमें से फायर फाइटर और रेस्क्यू टीम को भी करवाया था। हम यहाँ कैंप के बाहर मौजूद हैं, अब यहाँ पे क्या हुआ था टेस्ट टेस्ट कम्प्लीट हुई है, कम्प्लीट होने के बाद अब इधर खाना खाने का टाइम है और उसके बाद आज हमें मिले हैं यहाँ पे हमारे आज हमारे
आज अच्छा लग रहा है ये बहुत। आज यहाँ पे फिर गए, ये भी आए थे, आज हम सब मिल गए, पुरानी पूरी मिले, नए दोस्त सबसे मिले, और अभी गोवा कैंट प्रोजेक्ट से होने वाली चीफ गेस्ट आने वाले थोड़ी देर में, तो बाबू जी मैं रेस्क्यू ट्रेनर सिंह बॉय स्काउट एसोसिएशन मंजर अब्बास। यहाँ पर इस वक्त तकरीबन 500 बॉयज़ मुख्तलिफ इलाकों से सिंध के आए हुए हैं और बहुत ज़बरदस्त किस्म का रेस्क्यू ट्रेनर यानी फर्स्ट सिंध स्काउट रेस्क्यू रोवर रूट जो है वहाँ किया जा रहा है, जिसमें तमाम महकमों ने अपने अपने ट्रेनर्स को बुला के यहाँ के लड़कों को ट्रेन किया है, जिसमें फायर फाइटिंग का शोभा मौजूद है, रेस्क्यू जलजिले के दौरान कैसे करना है, इसके अलावा आग ए क्लास फायर बी क्लास फायर पे बहुत तवज्जो दी गई है, इसके अलावा अगर किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है तो किस तरीके से लोगों को रस्सी के ज़रिए, इसके अलावा जिम शीट के ज़रिए, क्लाइंबिंग के ज़रिए किस तरह से उनको रेस्क्यू करेंगे, ये तमाम चीज़ें ज़बरदस्त तरीके से सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन ने सजाई हैं ताकि हमारे बच्चे बेहतरीन अंदाज से यहाँ पर ट्रेनिंग हासिल करें और फिर अपने अपने इलाकों में जाकर स्काउट्स की एक बेहतरीन रेस्क्यू टीम बना रहे हैं हर इलाके के लिए, ताकि वहाँ पर जाएं और दुखी इंसानियत की खिदमत करें और पाकिस्तान में अपना नाम पैदा करें। मेरा नाम रियाज कुरैशी है और मैं हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट से कराची से आया हूँ। मैंने यहाँ बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, जैसे कि फायर फाइटिंग हमेशा से हादसा होते हैं, फायर की मालूमत नहीं होती फायर इस वजह से, ये चीज़ हमने यहाँ सीखी। वाटर बोर्ड ने हमें सिखाया कि जब कोई बुरा होता है उसको कैसे सेव किया जाता है, कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाए अर्थक्वेक में हम कैसे रेस्क्यू दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ सीखी। माशाल्लाह बहुत मज़ा आया और शुक्रिया अदा करूँगा सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन का। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये पाकिस्तान का और चीन का ये पहला इकदाम है, फर्स्ट ओवर रेस्क्यू डिजास्टर ग्रुप है और हमारी टीम थी सिंध बॉय स्काउट्स की तकरीबन 2005 जल्दे में काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके बाद 8-10 लोगों की हमारी टीम होती थी जो कि सिंध लेवल पर काम करती थी, जहाँ पर हम डॉक्टर मद्रास्ता रियासता हर कोई दुबई या कोई भी एमरजेंसी होती थी अल्हम्दुलिल्लाह तो हम लोग काम करते, लेकिन आज अल्लाह ताला का लाख एहसान है कि जो पूरा मिशन किया था, जो काम मिशन किया था उसको लोगों ने अप्रिशिएट किया, खासतौर से हमारे मुमताज शाह साहब जो कि हमारे चीफ और हमारे कोच कमिश्नर हैं और जनाब सिंह अफगनी साहब ने ये जब देखा आप जज्बा लोगों को देखा और हमारा काम देखा अल्हम्दुलिल्लाह, तो उन्होंने कहा कि पूरे सिंध के अंदर टीम होनी चाहिए और हर डिस्ट्रिक्ट में एक रेस्क्यू टीम होनी चाहिए, अगर और एक ज़िले में अगर कहीं भी मतलब इमरजेंसी हो जाती है, इंसिडेंट हो जाता है तो हमारी टीम है काम करें। असल में डिज़ास्टर जो है वो दो हिस्सों में मुश्तमिल होता है, एक तो होता है कुदरती आफत होती है, जैसे मुझसे देखिए आफत होती है, ये है कि बचपन से देखें जब औरत जो है जब जब बड़ी होती है या बच्चा होता है तो जब माँ के पेट में बच्चा होता है जब से जो है ये डिज़ास्टर हो जाता है, क्योंकि माँ जो है जब होता है तो उस वक्त से जब पैदाइश बच्चे की होती है तो ये भी एक डिज़ास्टर वो लम्हा जो होता है, जब बच्चे की तलाश होती है तो उस माँ के लिए तरीके से इस तरह डिजास्टर जो है कुदरती आफत में जल्जला आ जाता है, सुनामी आ जाता है या मतलब कि कोई आसमानी धूप पड़ने की बिजली गिर जाती है तो ये कुदरती आफत है, और एक मैनुअल आफत है जिसमें आग लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, सैलाब आ जाता है, क्योंकि ये सिलसिला ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ये 5 दिन तमाम चीज़ों की ट्रेनिंग की, क्योंकि अगर आग लग जाती है तो उसकी भी हमने फायर ब्रिगेड की है कि किस तरह की आग होती है, किस तरह बुझाया जाता है, किस तरीके से आप झोपड़ी में आग जल्दी आ जाता है तो सामने में उसके लिए एक टोपड़ी झोपड़ी बनाई है कि उसको बताएंगे कि जल्दी आता किस तरह जख्मी निकालते हैं, किस तरीके से देखने मंत्र भी बनाया है कि जब जल्दी आता है तो दरिया और ये जब बिल्डिंग टूटी जाती है और सड़क तो हमने रास्ता बनाने के लिए पार करने के लिए इस तरह सामने देख रहे हैं कि आग लग घर में लग जाती है तो उसके लिए जल्दी छीन लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें रिकवरी के लिए अलहमदिल्ला हमारे साथी मौजूद हैं, सुस्ताद मौजूद हैं ये और आसिफ मौजूद हैं, अलहमदिल्ला इन लोगों ने काम किया और इनको बताया, और हमें खुशी है कि अभी जो क्राइम फायर हुआ था उसमें उन लड़कों ने जो हमने सिखाया था वो बाकायदा उसके डेमो पेश किए, उसके पार्टिसिपेट उन लोगों ने जो है उसमें तमाम अपने एटम पेश किए अलहमदिल्ला, तो हमें इसे महसूस हुआ है कि बच्चे सीख रहे हैं, और आज हमने योगा जो पहले दिन आए थे उस वक्त भी 40 स्टेट हमने टेस्ट लिया था कि अभी क्या बच्चे सीख नहीं है,
इसके बाद जो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनका टेस्ट लिया था कि जो 5 इन्होंने सीखा है वो आज हमारा ये इतिहास है। और इंशाल्लाह जो ये अब सीख के आ रहे हैं वो अपने घर के अंदर भी जो काम आएंगे घर में भी आ जाती है, हमारे एक और चूल्हे में आ गई गेस्ट में, तो ये सारी चीज़ बताइए कि अगर आग घर में लग रही है तो आप क्या करेंगे। अगर सीकेस के आगे कोशिश करेंगे पहले सीकेस को इन्वर्टर बंद कर दें, इसके अलावा कोशिश करें कि अगर घर के अंदर ही एक बच्चा जल रहा है या फिर बादल जल रही है जब आग तो उसको छुड़ा जाता है इस तरीके से उसको आग हो जाता है। लेकिन इसका तरीकेकार ये नहीं, आदमी जो है जैसे घर के कम्बल है आपका रजाई है दरी है वो ला के एकदम उसको कवर कर दें, ऑक्सीजन खत्म होगी अलहमदिल्ला आग होगी। तो ये सारी चीज़ें एक इंसान की जान बचा पूरी जिंदगी इंसानी की जान बचा। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे स्काउट्स को हमारे को अपने चैनल में जगह दी है और बहुत जिंदा स्काउट को सलाह पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको सुने आपके चैनल को दवा बख्शे और जो काम आप कर रहे हैं उससे पब्लिक कोई फ़ायदा होगा जो देखिए। और यह आप अगर इसको डेमो भी दिखाएँ ताकि अगर डेमो देखेंगे तो वो बच्चे भी सीखेंगे जो आप यहाँ पर नहीं अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, आज हम यहाँ पर आए थे स्काउट्स ओवर मूव के लिए जो कि हमारा फर्स्ट सिंथ स्काउट्स ओवर मूव हुआ है जिसमें हमने फायर फाइटिंग डिजास्टर और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को फर्स्ट सीखा कि अगर हम किसी हादसे की या किसी जलजले में या किसी सैलाब की जगह पर पहुँचते हैं तो हमें वहाँ पर किस तरीके से फर्स्ट एड करना है और किस तरीके से जख्मियों को बचाना है, किस तरीके से डेड बॉडियों को वहाँ से निकालना है। हम यहाँ पर पिछले 7 दिनों से मौजूद हैं और इन 7 दिनों में हमारे को हर यूनिक चीज़ सिखाई गई है, यानी कि हर न्यू आइटम हमारे सामने लाया गया है। हमने उस चीज़ को अपने अंदर ऑब्जर्व किया है, अपने अंदर उसको पेवत कर लिया है। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल अगर हमारे मुल्क के अंदर ऐसी कोई भी आफत या कोई भी चीज़ आती है तो हम उसके लिए अंदरूनी तौर पर तैयार हैं और हम इस पैगाम को आगे से आगे पहुँचाना चाहते हैं ताकि हम नहीं और भी लोग इस रोवर मूव का हिस्सा बने। शुक्रिया। जो रेस्क्यू ओवर मूट हो रहा है सिंध वर्षों की जगह निगरानी और यहाँ पे स्काउट जो है जाया हूँ, मैंने विजिट देखा फिर पता था कि आज क्लोजिंग सेरेमनी होने वाली है तो मुझे स्काउट की इन्वाइट किया था उनके द्वारा यहाँ पर अलहमदिल्ला मेरे स्काउट है। तो स्काउटिंग असल में नाम ही है जहनी नशोनुमा, रूहानी नशोनुमा, जिस्मानी नशोनुमा, समाजी नशोनुमा, जज्बाती नशोनुमा, और ये सारी जो नशोनुमा होती है स्काउटिंग में सिखाई जाती है और खेल ही खेल में जो है स्काउटों को तरबियत दी जाती है कि वो घर से बाहर जब लाइफ में हों अपनी ज़िंदगी में जब भी जहाँ पर भी हों वो किस तरीके से जो है ना अपनी लाइफ को जो है ना अचीव कर सकें, किस तरीके से जो है ना आगे बढ़ सकें। और स्काउटिंग जो है ये सीखने सिखाने का मरहला है, यहाँ पर बच्चे आते हैं सीखते हैं और आगे जाकर वो उसको जो है ट्रेन होकर सिखाते हैं और उस पर अमल करते हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो ज़िंदगी के अंदर जो बच्चे स्काउट नहीं है मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी स्काउटिंग में जो है शामिल होकर जो है ना इस तरह की तरबियत हासिल कर सकें ताकि वो आगे चलकर अपना अपने पेरेंट्स का और अपने असातिज़ा का नाम रोशन कर सकें। कहते हैं कि अल्लाह गुजरते हैं कौन, कहते हैं आती है मुश्किल में काम, तलबा की करती है मुश्किल को आसान, स्काउटिंग है उसका नाम, स्काउटिंग उसका नाम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साद अली है, मेरा ताल्लुक टंडोलिया से है। इसके अलावा मैं एक अकाउंटिंग का स्टूडेंट हूँ, वो यहाँ पे मेंबरशिप पेज है मेरे पास लोकल स्काउट का। यहाँ फर्स्ट सिंथ रेस्क्यू रोवर मूट हुआ है जिसकी आज क्लोजिंग सेरेमनी है। इन 5 से 6 दिनों में हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट सीखा है, फायर फाइटिंग सीखी है, अगर कोई मरीज कोई सांस नहीं आ रहा तो उसको CPR कैसे देना है, डूबते को कैसे बचाना है, डिजास्टर से मतलब कि जलजला आ जाता है तो उसे लोगों को वहाँ से कैसे बचाया जा सकता है, कैसे बाहर निकाला जा सकता है, कैसे रेस्क्यू किया जाता है। इसके अलावा फाइनलिंग सीखी है हमने और नॉट सीखी है, नॉट में बोलाइन सीखी है, लोइट सीखी है, फायरमैन चेयर नॉट सीखी है। थैंक यू। मौजूद है कि जो एक नाम है कि जो है काफ़ी अगर वाटर रेस्क्यू होती है डूब जाता है डूब रहा है या कोई लाश नहीं है तो वहाँ जाके गहराई में जाके अल्हम्दुलिल्लाह कि उस लाश को किस तरह से अगर डूब रहा है तो उसको किस तरह से, तो उनके नाम है और स्काउट्स दिए हैं और इनके अपने साइज भी उन्होंने रेस्क्यू भी बनाई है, सब ये बताएंगे। और आपने माशाल्लाह आपका सब कुछ शुक्रिया कि आपने हमें भी टाइम दिया यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया। यामी भाई का चैनल है शुक्रिया। हम कराची और सिंध के दूसरे मकाम पर जहाँ पर शुक्रिया के हादसा होते हैं वहाँ पर रेस्क्यू वर्क करते हैं, तो सिर्फ पानी नहीं दूसरे भी जो हादसा होते हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया या बिल्डिंग गिर गई या कोई भी ऐसा हादसा होता है तो हम वहाँ पर करते हैं। हम
ہم اس چیز میں پروفیشنل ہیں، واٹر ریسکیو ہیں، تو کوشش یہی کر رہے ہیں کہ پورے کراچی میں 10 لاکھ کے قریب اداکار تیار کریں تاکہ خدا نہ خاصہ کوئی بھی ڈیزاسٹر کی صورت میں یہ والنٹیئر ہمارے اور اسکاؤٹس کی لڑکی یہ وہاں پر خدمات انجام دیں تاکہ انسانی جانوں کو نقصان پہنچے۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام آشم ہے، میں تھرڈ پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں۔ الحمدللہ ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے کہ ہم اس ہیڈ کوارٹر سندھ بوائے اسکاؤٹ ایسوسیشن کے کراچی میں ابھی موجود ہوں۔ بہت کچھ سیکھا ہے اور ابھی سیکھنے کا جو سسٹم وہ ابھی تک جاری ہے، اور میں جو بھی سیکرٹری ہے، جو بھی ہمارے استاد ہے، جو بھی ہمارے بڑے ہیں، میں اس کا بہت شکر گزار ہوں۔ اس نے ہمیں بہت بہترین طریقے سے ٹریننگ دی، اور جو بھی معاملات ہیں اسے پریکٹیکل کے حساب سے ویسے اور گھمانے کے طریقہ اور ٹیچر جو بھی اس کا انداز ویسے ہمیں بہت مزہ آیا۔ اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ جو بھی بچے تھے اور جو بھی ٹیچر تھے اس کو اللہ پاک تا حیات زندگی رکھے اور اس کو ساری دنیا کی اسے خوشی عطا فرمائے۔ تو بھائی ابھی میں نکل رہا ہوں یہاں سے، جتنے بھی لے لیتے میں نے لے لیے، اور سب جو بھی سینے اب جانا ہے یہاں پر دیکھ لینا، پانی کا کیونکہ لیٹ ہو رہا، تو جتنے بھی انٹرویو لے لیتے وہ میں نے لے لی ہے، اب یہاں سے نکلیں گے اس سائڈ رہیں گے، اور آپ کو ایسی کلوزنگ ہو رہی ہے، اب آپ جا کے واپس آنا تو پھر میں جاتا ہوں۔ باقی آپ ویڈیو جتنی بھی تھی آپ دیکھیں، ویڈیو میں مزہ آیا تو اچھی بات ہے، اور اگر ویڈیو نہیں ہو تو آپ لائک کرو، شیئر کرو، سبسکرائب کرو، کیونکہ میں ویڈیو بنانا ہر ہفتے۔ بائے۔